भारत की रिन्यूएबल कंपनी रेन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में जिला प्रशासन की मदद के लिए गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन को 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सौंपे हैं। ये कॉन्सेंट्रेटर देश के विभिन्न जिलों में कोविड से लड़ाई में सरकारी अस्पतालों की मदद करने के लिए रेन्यू पावर का हिस्सा है। इस कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल गोरखपुर के जिला अस्पताल द्वारा किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की आपूर्ति करने के अलावा रेन्यू पावर अस्पतालों में फ्रंटलाइनर कर्मियों को अतिरिक्त बेड्स, एम्बुलेंस सपोर्ट एवं पीपीई किट्स का वितरण कर विभिन्न राज्य सरकारों के प्रयासों में भी मदद कर रहा है। पूरे देश में महामारी से लड़ाई में अपना सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। अभियान के संबंध में कंपनी के प्रतिनिधि ने बताया कि रेन्यू पावर पूरे देश में महामारी से लड़ाई में अपना सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सक्षम नेतृत्व में महामारी से लड़ने के संसाधन जुटाने में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों में सहयोग देकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हम राज्य प्रशासन को प्राथमिकता से आवश्यक सहयोग व आपूर्ति सुनिश्चित करते रहेंगे। कंपनी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के सिद्धांत के अनुरूप वाराणसी के पनियरा गांव को एक मॉडल ग्राम बनाने के उद्देश्य से गोद लिया और सभी घरों के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कंपनी के प्रतिनिधि और जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने कहा, ये नोएडा से बनाते हैं, ये आईआईटी कानपुर से सबमिटेड है, इसलिए हम लोग जो यूपी में जो आत्मनिर्भर भारत का लोग यहां बनाए बिजनेसमैन हु बिलीव्स इन नमस्कार। हम लोग रेन्यू पावर, ये सोलार विंड एनर्जी का कंपनी है, दिल्ली में है, सारे इंडिया में, यूपी में भी है। उनकी तरफ से सीएसआर में ये 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आज हैंड आउट किया है। उसमें चाइनीज भी है, वो इंडियन भी है। ये स्पेशलिटी है, फर्स्ट टाइम यूपी का मेड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इधर दिया है, वही है। फिर ये हमारा चेयरमैन साहब का बुक, वो ये इसका फॉसिल फ्री है, ये क्लाइमेट का, वो भी डीएम साहब को दिया हुआ है। और हमारा कंपनी एक और काम कर रही है वाराणसी में, इनके बारे में मिस्टर अखिल मेहता वो बता देंगे। मेरा नाम अखिल मेहता है, मैं रेन्यू पावर में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। राम सुंदर साहब ने बताया कि रेन्यू पावर भारत की एक अग्रणी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है। 10,000 मेगावाट का हमारा प्रोजेक्ट है पूरा इंडिया में। भारत की टोटल बिजली का 1% बिजली हमारी कंपनी बनाती है। हम लोगों ने अपने सीएसआर इनिशिएटिव के तहत आज ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यहाँ भेंट किए हैं। इसके अलावा वाराणसी जनपद के पनियारा गांव में हम लोग एक पनियारा गांव को हमने गोद लिया है आदर्श ग्राम के रूप में। वहाँ पे हम लोगों ने एक 25 किलोवाट का सोलर ग्रिड बनाया है, जो वहाँ लोकल बिजली, वहाँ पे बिजली की काफ़ी समस्या थी तो वो बिजली प्रोवाइड कर रहा है। वहाँ पे दो स्कूलों को हमने पूरी तरह से विद्युतीकृत किया है। 6 और गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ पे हम वहाँ पे बिजली सप्लाई कर रहे हैं। एक वहाँ पे हमने कंप्यूटर लैब बनाया है जहाँ पे हम महिला सशक्तिकरण के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम लोग कमिटेड है कि ये देश उन्नति करे। हम लोग अपने तरफ से जो भी संभव हम प्रयास कर सकते हैं। यूपी में भी हमारा एक प्रोजेक्ट है, रिहंद सागर बांध पे हम दुनिया का
अपनी तरीके का पहला एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। अगर आप देखें तो जब कोरोना जब शुरू हुआ था तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बहुत कमी थी। आप चाहे पीपीई किट की बात कर लीजिए, मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीज़ भी चाइना से आती थी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी देश ने, पूरी इंडस्ट्री ने ये निर्णय लिया कि हम इस देश को आत्मनिर्भर बनना है, और जो पीपीई किट पहले हम चाइना से इंपोर्ट करते थे आज वो हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक उसी तरफ पे पहल है कि हमारे यहाँ पे चीज़ें बनने लगी हैं, और ये इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे को विदेशी मुद्रा की जो बचत होगी वो तो होगी ही, पर उसके साथ में ये है कि आज अगर मशीन में कुछ भी खराबी आ जाती है, तकनीकी कोई भी खराबी है, हमारे लोग हैं जो इसको ठीक करेंगे, हमारे को सिर्फ आफ्टर सर्विस की कोई दिक्कत नहीं होगी। आज अगर खुदा का खास्ता अगर इस मशीन में कोई भी दिक्कत होगी, नोएडा से कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। मेरा नाम सुमित शर्मा है, तो मेरी कंपनी का नाम यूबी कॉर्पोरेट है। यहाँ पे देख रहे हैं ये एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है 10 लीटर का, जो इंडिया में ही बना है, आपकी यूपी में ही बना है, नोएडा की फैक्ट्री में। ये इंडिया का पहला खुद का बना, जिसमें कि सारे पार्ट्स इंडिया के लगे हुए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, जो लोगों के लिए ऑक्सीजन के साथ साथ और भी कई बीमारियों का इलाज कर सकता है। तो ये कोरोना के टाइम पर भी काम आएगा और कोरोना के बाद भी कई बीमारियों का इलाज करने में काम आएगा। पूरी तरीके से इंडिया में बना है, इसकी सर्विस इंडिया में होती है, और किसी भी लेवल पे किसी गांव में इसकी सर्विस हो सकती है, और सिंपल टू यूज़ प्रोडक्ट है। तो ये आज हम सबको यहाँ पे गोरखपुर में देने आए। देखिए, आप जानते हैं जो वैसे ऑक्सीजन का सेकेंड वेव में कितने परेशानी उठाना पड़ा गोरखपुर में भी और विभिन्न जनपद में। हम लोग को एक संदेश मिला है शासन से, जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए, यानी जो हर जनपद यदि तो ऑक्सीजन का डिपेंडेंसी ख़त्म कर ले, उसी का जो फ़ायदा जो सीधे सीधे जनता को मिलता है, उसी का एक पहल है। आज आप देखे हुए हैं रिन्यू पावर एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, कंपनी है, भारत की है वो, उन्हीं के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत योजना के अंदर जो भारत में बनी हुई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हम लोग को दी गई है, एक आधुनिक पहल है, ताकि जो अक्सर जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चीन से और अन्य देश से आती है, इम्पोर्ट होता है, उसका हम लोग का परेशानी होता है, तो कभी सर्विस करने में और मेंटेन करने में भी परेशानी होती है, जल्दीबाजी में भले तो आ तो गया है, बट उसका अभी उसका हटा करके जो भारत का देसी मैन्युफैक्चरर का बढ़ावा देने की दिशा पे गोरखपुर से एक पहल की गई है। रेन्यू पावर माध्यम से हम लोग का 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिला है, उनका हृदय दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बाकी जो हम लोग थर्ड वेव का तैयारी चल रहा है, उसी का तैयारी में जो हम लोग हर गांव में पीएससी, सीएससी, एडिशनल पीएससी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, कुछ ना कुछ तरीके से एक कोविड फैसिलिटी क्रिएट करने जा रहे हैं, और हर 5 किलोमीटर दूरी पे कुछ ना कुछ फैसिलिटी रहेगा। उसके क्या है, जो पहले उपचार है, जो गोल्डन दिन कहते हैं, जो शुरुआती उपचार है, वो वहीं उनके गाँव में ही मिल जाएगा, नहीं तो गाँव का आसपास 1-2 किलोमीटर दूरी पर ही एक उपचार मिल जाएगा। उस पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का भूमिका बहुत अहम होता है, ताकि तो शुरुआत में किसी का सांस फूलता है, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के माध्यम से ऑक्सीजन देने से उनका आराम मिलेगा, जो उपचार वहीं से ही तो घर से ही शुरू हो जाएगा। हम उसी पहल में जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बहुत सारे लोग हम लोग का जो डोनेशन के रूप से दिया है, आज रिन्यू पावर के माध्यम से हम लोग का 50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिला है, वो भी भारत मेड मिला है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और बाकी जो आपको मीडिया के जरिए से मैं जनता का बार बार अपील करने चाहता हूँ, कोरोना भले कमज़ोर हुआ है बट हम लोग के बीच में ही है, अभी कोरोना कहीं गए नहीं है, थर्ड वेव का अपेक्षा की जा रही है, हो सकता है इस पर कोई बच्चे प्रभाव पड़ सकते हैं बच्चे के ऊपर, और हो सकता है और जो छूटे हुए लोग वैक्सीनेशन से उन लोगों ऊपर भी असर पड़ सकता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, बिना मास्क को बाहर मत निकालिए, 2 गज का दूरी बनाइए और हाथ बार बार साफ कर लीजिए, ज़रूरत है तब घर से बाहर निकालिए, नहीं तो कुछ महीने के लिए संयम बरतें, घर के अंदर ही रहें, धैर्य रहें। जय हिंद, जय भारत।